इसलिए जैसे ऑनलाइन में हम लोग ऑर्डर आके हम लोग कैसे शिपमेंट और रिसीव करते हैं, उसके बाद कैसे ऑर्डर को डिस्पेस करते हैं, दिखाता हूँ कैसे ऑर्डर हम लोग डिस्पेस करते हैं, दिखाता हूँ कैसे पिक करना है। देखिए इसको ये सब पिक करना पड़ता है, दोनों पीस पिक करना पड़ता है, राइट लेफ्ट सही है कि गलत है। उसके बाद ये वाला टैग आता है, जैसे टैग है, ये टैग जब आपको अभी इसमें तो नहीं है मतलब एनी वो लगाने के लिए, इसलिए इसको अगर ये टैग नहीं होने से आपको मतलब रिटर्न नहीं होगा, अगर आप रिटर्न करेंगे तो रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, ऐसा डील होता है, डील है ये एड्रेस, इसको इस बॉक्स के अंदर डाल देंगे, बॉक्स लगा देंगे। उसका बाद पैक कर देंगे, ये मिंत्रा में जा रहा है। ठीक है, और एक ऑर्डर आया है उसको भी हम लोग पैक करने वाले हैं। देखिए फिर कैसे पैक करेंगे, कैसे क्या होगा, देखिए देखिए कैसे ये टैग जो है ना कैसे लगाना पड़ रहा है। डिलीवरी से अगर ये आपने खोल देंगे तो रिटर्न नहीं काफ़ी मतलब कोई कोई क्या करते ऑर्डर करके वो मतलब यूज़ कर जाते हैं ना, वो रिटर्न करते हैं, जिसमें वो भी ऐसा उसको प्रोसेस किया गया। टोटल इतना हुआ है पैक, मैं पूरा पैक किया हूँ, देखते रहिए और क्या क्या होगा, आज पूरा दिखाने वाला हूँ आपको। ठीक है, और एक आ गया है शिपमेंट, उसको हम लोग अभी पैक करने वाले हैं। अब इसमें है ये इसका है, ठीक है, इसका प्राइस पड़ेगा आपको ये देखिए प्राइस 2490 का है। ये वाला जो है ये होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें लगाने के लिए ये नहीं होगा, लगाने के लिए इसको जगह नहीं है क्योंकि छोटा सा रहता है तो लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसको ऐसे रख देते हैं, बिल अंदर डाल देंगे कर देंगे इसका बाद लेके इसको पैक करना। क्या लिखा है, मेरा पीछे दिख रहा है ना जो फ्लिप फ्लॉप कितना करेगा जैसे इसका प्राइस है 8500।
ये जो है 8500 का है। फ्लिपकॉप ये आपको यूके का ब्रांड है, ये इसमें 3 लेयर कंफर्ट रहता है। फ्लिपकॉप यूके आपको 70 कंट्री में मिलता है ये ब्रांड, ये आपको पड़ेगा 8500।